ये रिकॉर्डिंग होता है लेकिन कहाँ जाता है मालूम नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड गुड मॉर्निंग सर। विधि हैज कम टुडे। गुड विधि प्रिशा बोथ हैव कम। ओके, तो कल ये प्रॉब्लम कर रहे थे मेरे व्हाइट बोर्ड पे एंटिटीज रखा है। देखो देखो मैं एक बार प्रॉब्लम वापस रिपीट कर देता हूँ। क्या प्रॉब्लम था? हमें प्रॉब्लम ये था कि ये बॉल इज थ्रोन, और बॉल इज थ्रोन एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्रीज, मतलब 30 डिग्रीज विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो हमको पता चला कि 10 सेकेंड तो टोटल टाइम लगता है उसको यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब आधी यहाँ पे आने में 5 सेकंड, मतलब 3 सेकंड। ये जरूरी नहीं है ये निकलना, ये तो मैं आपके नॉलेज के लिए 3 सेकंड में बॉडी यहाँ पे किधर पहुंची होगी। सेकेंडली आई टोल्ड यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी? 98 cos 30। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल 3 सेकंड बाद में भी, 5 सेकंड बाद में भी, 10 सेकंड तक वो ही रही ना रही 49 रूट। हमें चाहिए व्हाट विल बी वर्टिकल वेलोसिटी यानी वाई मोशन में वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। उसके लिए मैंने कंसीडर किया वाई मोशन फ्रॉम ओ टू सी। वाई यानी वर्टिकल, ये डायरेक्शन में वाई एट ओ, ये डायरेक्शन में था 98 sin 30, दैट मींस दैट इज यू यू वाई ए वाई बिकॉज ऊपर फेंका -9.8। टी वाई इज 3 सेकेंड क्योंकि मुझे यहां से यहां जाने में 3 सेकेंड और लोग ने बोला है 3 सेकेंड। वी वाई क्या होगा खाली वो मेरे को बताओ। यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, जरा बताओ प्लीज। व्हाट शुड आई राइट हियर? क्या लिखूं? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट शुड आई राइट हियर? वी वाई में क्या लिखूं? आफिफ टेल मी, एम आई ऑडिबल? और तुम्हारी आवाज ही आना बंद हो गया सबकी। मेरा आफिफ से यस। यस सर हाँ, क्या लिखूं यहाँ पे? अरे ये नॉन, ये नॉन, ये नॉन, ये भी नॉन होगा तो करने का मतलब क्या है? दिस इज व्हाट वी वांट सर, यूजिंग द फॉर्मूला v3 बाय, वी वांट v3 इन y डायरेक्शन, वी नो v3 इन x डायरेक्शन, ये रहा v3 in y direction, तो v equal to u plus at, vy equal to uy plus ayt, py let us say, vy क्या है? vy we want after 3 seconds, uy क्या है? 49, plus ay क्या है? -9.8, dy is 3 seconds के बाद चाहिए, so that is 49 minus से थोड़ा कम। Have I done some calculation? Let me check. से थोड़ा कम, that is 19.6. मीटर पर सेकेंड एंड वी वॉन्ट। देखो आफ्टर 3 सेकेंड, अब मेरी एक बात सुनो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। After 3 seconds, तीन लिखना भूल गया। After 3 seconds, this is vx कितना है और v by कितना है? कौन मुझे बताएगा क्या क्या लिखूं? यहाँ पे क्या लिखूं और यहाँ क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं और यहाँ क्या लिखूं? Anybody? After 3 seconds, इधर क्या लिखूं और इधर क्या लिखूं? So v is 19.6 meter per second. That is right. And vx क्या लिखो? vx क्या लिखो? I told you x velocity always remains constant throughout the motion. तो क्या लिखो? x velocity after 3 seconds. विधि जीरो, विधि प्रिशा माज
जीतू अरे यस तो बोल जीतू ओम अरे मैं बता रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोई भी टाइम पे इट रिमेन्स सेम कांस्टेंट एंड कांस्टेंट जो स्टार्ट में थी वही एंड तक रहने वाली है तो दिस इज 98 cos 30 and that is nothing but equal to 84.87 and therefore we find the resultant velocity this is what is the resultant actual velocity vr kya formula hai anybody can remember what is the relation of vr with vx and vy कल मैंने बताया था यस सर vr स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर दैट इज लवली और vr इक्वल टू रूट ऑफ करेक्ट आंसर है तुम्हारा बर्गेश 84.87 का स्क्वायर प्लस 19.6 का स्क्वायर एंड देन सिंपलीफाई दिस And if you get this, you'll get 87. Or suppose this angle ko agar main alpha manu, ye angle hai alpha. So totally bhi alpha, you know, tan alpha will be equal to what upon what? Anybody? Tan alpha equal to what upon what? Anybody? Opposite side upon adjacent side. Now tell me what is opposite side? Alpha के सामने opposite side दिया है इसके. What is the value of it? 19.6. And what about adjacent side? Burgess adjacent side. जीतू तुम्हारे चुप हो गए एकदम. जीतू. सभी भाई. VY तो लिखा अल्फा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड एंड देट इज 0.225 मैं आपको टेबल देखना सिखाऊंगा बाद में अभी फिलहाल टेक द आंसर 12 डिग्रीज 40 मिनट्स इसमें एक होमवर्क लिखो आफ्टर 7 सेकेंड आफ्टर नहीं आफ्टर 4 सेकेंड आफ्टर 4 सेकेंड निकालना है होमवर्क इसी प्रॉब्लम में एंड आफ्टर 7 सेकेंड आफ्टर 4 सेकेंड ये 3 सेकेंड का हमने निकाला सर आपको होमवर्क करना है आफ्टर 4 सेकेंड फिर जगह छोड़ो After 7 seconds, फिर जगह छोड़ो तो you will understand the concept of it when you start solving the problem. After 4 seconds and after 7 seconds, और आज मुझे चाहिए evening तक ओके ये हो गया मतलब क्या है मतलब मैं अगर ये आफ्टर 7 सेकेंड होगा तो कहाँ आएगा आंसर खाली इतना बताओ किधर आएगा आफ्टर 7 सेकेंड बिटवीन ए बी और ओ ए आफ्टर 7 सेकेंड आफ्टर 7 सेकेंड कहाँ आएगा बिटवीन ओ ए और बिटवीन ओ ए और बिटवीन ए बी सर ए बी बिटवीन ए बी या दैट्स वेरी गुड And remember, horizontal velocity will change or not? At least after. Sir, remain constant. It will remain constant equal to 49√3. Khali aapko vertical velocity nikalni hai, fir result nikalna hai isse. Horizontal velocity 4 seconds, 7 seconds, 5 seconds, 1 second, 2 seconds, sab jagah 98 cos 30.
ऑल राइट, तो अब मैं मिटा रहा हूं इस प्रॉब्लम को. एक छोटी थियरी करते हैं हम लोग. अच्छा लिखो, डिराइव एन इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ऐसा लिखो, डिराइव एन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और डायग्राम बनाओ. ये आर एच मैक्स पॉइंट हो, जैसे दिस इज एनी पॉइंट पी, दिस डिस्टेंस इज एक्स, दिस डिस्टेंस इज वाई, एंड दिस इज रीच डियर आफ्टर टाइम टी. O to P. मेरे बोल लेक्चर चल रहा है अभी, बाद में फोन. हाँ हो गया, कॉपी किया बेटा. अच्छा मुझे एक बात बताओ, y इक्वल टू 5x, ये कभी सुना है ऐसा? y 5x, 7x, माइनस 2x, सुना है क्या आपने किसी ने? खाली यस और नो बोलना है. मैं आगे कुछ पूछूंगा. ये सुना है कि नहीं मैथ्स में? विधि सुना है कभी ये? मास कभी सुना है? यस सर, इट्स लाइक वाई हैज बीन असाइंड अ वैल्यू इन अकॉर्डिंग टू एक्स. क्या क्या बोले? यस सर. हाँ कहाँ सुना है ये? कहाँ? So not same value, but अरे any value यार, ये y equal to बोल 100x, 200x, 1,00,000x, ऐसा सुना है क्या? 2x, y equal to x, किसी ने नहीं सुना है? ओके, ये सुना है कभी y equal to 2x plus 3? Yes sir. कहाँ पे सुना है ये? सर algebra में. algebra में क्या होता है? सर अगर वो 2x दिया है, मतलब x का वैल्यू हमें पता नहीं है, पर वो मल्टीप्लिकेशन में 2 से. ऐसा कुछ सुना है? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट 3, ऐसा कुछ सुना है? यस सर. खाली आईसीएससी वालों ने सुना है कि बाकी ने भी सुना है? y इक्वल टू m नहीं सुना है. हां क्या सर? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, something like that. Yeah, sir, but I am asking others. ICSE sir, ICSE mein nahi hai ye. Ye nahi hai, bilkul nahi hai, nahi hai. Okay, so let us forget about it. To isne bola tum log ki nahi suna hai humne sir, mujhe koi problem nahi hai, aise bol dene ka, nahi suna sir humne, aap bataiye iske bare mein, lekin chup mat raho yaar. Okay, abhi hai na, ek projectile O pe ek projectile feki with u and theta, और ई गया पॉइंट पी पे आफ्टर टाइम टी, इन द प्रोसेस इट ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स एंड वर्टिकल डिस्टेंस वाई. रिमेंबर द मोमेंट आई गिव रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, दैट बिकम्स द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. तो मैं क्या करता हूं, पहले एक्स मोशन फ्रॉम ओ टू पी, मुझे एक्स और वाई का मिलन करना है. जैसे ही एक्स और वाई का मिलन हुआ, दैट विल बिकम द इक्वेशन. तो मुझे बताओ व्हाट इज यू एक्स, व्हाट इज ए एक्स, ऑलराइट, व्हाट इज एस एक्स एंड व्हाट इज टी एक्स, ये खाली मुझे बताओ. और फिर मुझे चाहिए वाई मोशन
आपने इक्वेशन लिखा कि नहीं? डिराइव एन इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टरी वाई मोशन फ्रॉम ओ टू पी. यहाँ पे यू वाई ए वाई एस वाई एंड टी वाई. देखो सिचुएशन ऐसी है कि मैंने फेंका, इट गोज फ्रॉम ओ टू पी अप इन टाइम टी, x distance x, y distance y, after time t, it reaches to p. तो ये जरा भरो ना प्लीज. y मैं यहां लिख देता हूं. From O to P, u y, a y, s y, t y. हाँ क्या लिखूं यहाँ पे? सबको भरना कंपलसरी है, एवरीवन हैज टू राइट समथिंग समथिंग और अदर. रिवर्स में क्या लिखूं? इसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा यू कॉस थीटा, एक बच्चा यू साइन थीटा. रिवर्स में क्या लिखूं? यू कॉस थीटा. एक्स में क्या लिखूं? प्लस नहीं, प्लस जी और माइनस जी. जीरो. दैट्स बेस्ट आंसर. एस एक्स ओ टू पी. व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू पी? सर आर माइनस एक्स. दैट्स वेरी बेड आंसर. एक्स. ओ एक्स. व्हाट इज टाइम टी? अरे ओ टू पी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एक्स ना, आर माइनस एक्स. यस सर. What about u by? So u sin theta. A by plus g or minus g or zero? So is it minus g? Minus g because it is gone up. S y will be r or x? S y will be r or x? यहां से यहां y डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? h max r x. क्या लिखूं? h max. नो सर. y t y t. यहां से करते ना तो h max लिखता है, तो पहले है इसका डिस्टेंस y. देन अप्लाई द फॉर्मूला s इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर. एस एक्स इक्वल टू यू एच डी. आज ये जीतू बिल्कुल बोल नहीं रहा. जीतू आर यू देयर और नो? जीतू खाली यस बोलो. यस जीतू. जीतू खाली यस और नो बोल. माय गॉड जीतू भाग गया है खाली फोन चालू करके. माय गॉड ट्रिमेंडस. वाओ. ओके एस एक्स के बदले क्या लिखूं? एक्स. यू एक्स के बदले यू कॉस थीटा. टी प्लस हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर. एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी और देयरफॉर टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा. इक्वेशन नंबर वन. सीरियसली जीतू इज रन अवे फ्रॉम द सीन. ऐसे तुम लोग मत करना, ये चालू रख के ऐसा लगता है देखो जीतू इज प्रेजेंट बट इज एब्सेंट. एस इक्वल टू और कौन है ऐसा? सबको यस बोलना है खाली. ओम आर यू देयर? ओम मिस्ट्री. यस सर. ओके गुड. This is really surprising. SY is Y.
ठीक है, बदले हम लोग देंगे. दिस इज इक्वेशन टू, सब्स्टिट्यूट वन इन टू. u cos theta into t के बदले x upon u cos theta, u, अरे यार u sin theta है, क्या लिख रहा हूं मैं भी. माइनस हाफ जी पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन दिस यू यू गेट्स कैंसल एंड देयरफॉर this is the formula. This is the equation of trajectory. This is the equation of trajectory. This is the equation of trajectory. Actually, you know, make line likh raha hu abhi without understanding likh raha hu, later on you will come to which is parabola. लेकिन ये क्या होता है पैराबोलिक, विल कम टू नो आगे जैसे जैसे स्टडी करें. इसे सर्कल होता है ना, सर्कल स्ट्रेट लाइन, वैसे ही पैराबोला होता है. तो क्या होता है, डोंट वरी अबाउट इट. मैं एक बार फिर से आपके सामने, देखो हमको बोला था डिराइव एन इक्वेशन ऑफ ट्रेजिक्टरी. ऑल राइट, ट्रेजिक्टरी स्ट्रेट लाइन होती तो क्या आंसर आता, वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स, ऐसा आता. लेकिन ऐसा कुछ आया तो विच पैराबोला, विल कम टू नो. हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंकी, इट गोज फ्रॉम ओ टू पी, इन द प्रोसेस इट ट्रेवल्स डिस्टेंस एक्स, वर्टिकल डिस्टेंस वाई, एंड आफ्टर टाइम टी इट रीचेस देयर. इट इज यू एंड थीटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा. तो u और x मोशन फ्रॉम o टू p, मतलब x डायरेक्शन में सब देखते हैं हमको. ux इज u cos theta, ax इज जीरो बिकॉज़ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सीलरेशन विल बी जीरो. sx विल बी x, px इज t, लेट अस से आफ्टर टाइम t पहुंचे. तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, sx इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, x इक्वल टू u cos, हां sx इज x, ux इज u cos theta into t plus half ax is 0 into t square. So x will be u cos theta into t, t will be x upon u cos theta. Equation number 1. Y motion from O to P. Uy is u sin theta, y is minus g, sy is y, ty is t. S equal to ut plus half at square. Xy equal to uy ty plus ay half ay ty square. Xy is y. Uy is u sin theta t. Plus half ay is minus g into t square. So yahan pe t ke badle I'm substituting x upon u cos theta. So y equal to u sin theta, t ke badle x upon u cos theta minus half g, t square ke badle x square upon u square cos square theta. U gets cancelled. So y equal to x tan theta minus gx square upon 2 u square cos square theta. This equation to learn by? Kya bolta hume learn by? Learn by? लर्न बाय क्या बोलता हूं मैं, बोलते चुपचाप पढ़ाओ ना सर, काहे के लिए आप मगजमारी करते हो, लर्न बाय हार्ट एंड ऑल दैट. चुपचाप पढ़ाओ, डोंट डू एनी फालतू थिंग्स, हम लोग बोलेंगे नहीं. लोग फिजिकली मिलो जब, तब मैं ठीक करूंगा एक एक को. तुम्हारी आवाज कैसे बंद रहती है, आई विल सी हाउ यू स्पीक आउट. हाँ ये कॉपी कर लो बच्चे लोग. जीतू अभी भी दिख रहा है मेरे को क्रीज में, मस्त एकदम. यस सर.
इधर क्या इधर गया सर आई वाज फेसिंग नेटवर्क इशू तुम्हारा ये तो दिख रहा है बराबर यू आर सीन बाय मी You were seen by me. I was facing. Yesterday also I was facing and now also. Jitu bol ke mera gala sukh gaya. So now it's stable little bit. Arre ye sab faltu giri band karo yaar. Tumhara nuksan hai. Mera kuch nuksan nahi hai. Tum attend karo, nahi karo. I'm not going to lose anything. Ek baar dhyan rakho, aisa mat karo kuch bhi. If it is a really network issue, I can understand. Lekin gimmicks mat karna sab log. I'm telling you that. ओके ये हो गया कॉपी हाँ हो गया प्यारे बच्चों यस सर इसे मिटा दूं Yes, sir. चलो इसके बाद अगला प्रॉब्लम ये मैं कभी भी टेस्ट होगा ये डेरिवेशन पूछने वाला हूँ ये ध्यान रखना ओके इसके बाद हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर जाते हैं I'm trying really my best, लेकिन मेरे को इतना वो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ऐसा लिखो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऐसा लिखो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट इफ इट्स मैक्सिमम रेंजेस मैक्सिमम रेंज इज 200 मीटर उसको फोन करो अंजू
बेटा आई एम रियली सॉरी ये लिखो फाइंड द वेलोसिटी. हाँ ये एक्चुअली बस इतना ही था. चलो क्या किसी ने एक्चुअली प्रॉब्लम दे दिया है मैंने खत्म. हाउ विल यू डू एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट शुड आई डू. पहला स्टेप कौन बताएगा. Sir, R max equal to U upon G. That's how we will get the answer of U. That's right. U upon G is wrong. Therefore, यहाँ पे ये कौन बताएगा? ये. Anybody who tested this is the best student. Seems range is maximum. Therefore, something equal to something. Who will tell me that? So theta equal to 45 degree. That's right. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. And what is the R का formula? U square sine 2 theta upon G. Therefore R max will be equal to U square sine 90 upon G. Therefore R max is U square upon G. और तुमने क्या बोला था मालूम है? Because sine 90 is what? U upon G. Therefore, it was wrong. Therefore, U is root of R max into G. And that is root of R max. And though, so, G is 9.8. And there you are. There you get the answer. 44.27. Meter per second. Yeah, U answer. Then time of flight को I should write capital D. ठीक है चलो. What is the time of flight का formula? Time of flight का formula विधि. Time of flight का formula बोल. So 2 u sine theta upon g. That's lovely answer. Theta तो 45 degrees है. उसको phone करो. कामगार. And this is nothing but equal to 6.38 seconds. फिर बचा क्या बचा? इसके बाद H max, U square sine square theta upon 2G. U square. This is 200 into sine square 45 1 by 2. 2 into 9.8. Wow, wait, wow. H max 50 hai kya?
पता नहीं मेरे ख्याल से बचा है ना। मिस्टेक तो नहीं है जरा चेक करो साइन स्क्वायर 45 1 बाय 2 2 इनटू 9.8 बराबर 50 मीटर। चलो एक बार फिर से मैं रूलर मार दूं। इन रेंज इज मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आर इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g बट थीटा इज 45 डिग्री तो 2 into 45 90। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो भी आ जाएगा द मोमेंट यू पुट थीटा इन 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज पे तो यू विल बी रूट ऑफ आर मैक्स इनटू टी दिस इनटू दिस यू गेट दिस आंसर t इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g u इज 44.27 sin 45 9.8 तो ये आंसर h max इज आप बोलेंगे सर ये क्या किया आपने tell me what is u root of 200 into 9.8 or is u square 200 into 9.8 तो u square के बदले मैंने लिखा 200 into 9.8 sin square 45 sin 45 is 1 by root of sin square 45 will be 1 by 2 this is 2 and this is 9.8 get cancelled 200 upon 4 50 पूरे 50 I hope that's clear थोड़ा बाउंसर है थोड़ा बाउंसर है क्या थोड़ा थोड़ा बाउंसर सर क्लियर नो सर ओके लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे ख्याल से टाइम बहुत कम है लेस देन 1 मिनट वी आर हैविंग बट जीतू तुम कहाँ गए थे सच सच बताओ जीतू कहाँ गए थे सो आई वाज रियली अटेंडिंग द क्लास सो यू कैन कॉल माय पेरेंट्स आल्सो एंड सो आस्क Because I was, मेरा गला सूख गया था. Jitu, I could see Jitu is present. Jitu was not angry. So yesterday also I was facing same problem and today also so. ठीक है चलो okay. Now so it's a little bit of stable. ठीक है चलेगा कोई बात.